लिए कुलकर्णी भट्टा के पास यह भाजपा नेता जीतू यादव का पत्तल दोना बनाने का कारखाना है जिसमें आग लग गई। कारखाने के पास ही गोदाम भी था। आग ने देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर की टीम और आग पर काबू पाया। आग की इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान की बात सामने आई है। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो एक बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि पास में घनी बस्ती भी थी। हेलो सर, एक कोई आग की सूचना थी, किस तरह की आग थी और किस तरह से काबू पाया गया? ये पार्षद के थी और उसमें दोना पत्थर बनाने गोदाम था, गोदाम में लगे थे, वही मैन्युफैक्चरिंग करते थे और उसी में आग लगी थी और हम लोगों ने कवर कर लिया, पूरी बुझा दी। सर किस तरीके से आग देखा आपने? भीषण आग लगी, भीषण आग थी अंदर गोदाम में, और जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती सब दोना पत्थर बनते वो प्लास्टिक की थे और जो एक दिन आग दिवाली से पता थी, इनके पास साधन कुछ नहीं थे। इसके बाद सर आपने यहाँ आके देखा किस बस्ती में, किस तरह की आपको कठिनाई आई? बस्ती में कठिनाई ज़्यादा आई है, और ऐसी बस्ती में यहाँ गोदाम होना नहीं चाहिए, गोदाम भी है, गोदाम बनाना नहीं चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग दूर होना चाहिए। सर अगर घरों में अगर लग जाते हादसा तो किसी भी अनहोनी घटना से बच जाएगी, और बचा लिए हम लोगों ने, अच्छे ऊपर वाले भी अच्छी बात है, किसी बात की थी। मेरा आदेश निंगवाल SP था इंदौर। ये थाना द्वारकापुरी क्षेत्र में पैराडाइज गार्डन है, यहाँ पे सूचना मिली थी कि देर रात्रि कोई पार्टी चल रही है जिसमें हर्ष फायर हुआ है। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम और थाना द्वारकापुरी की टीम ने जाके मौके पे जो है जांच की, तो उसमें देर रात्रि जो कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए ऐसे 16 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें मोंटू और गौरवपुरी को भी हिरासत में लिया है, अरेस्ट किया है। इसके पास से एक फायर आर्म रिकवर किया है और इसमें लग्जरी गाड़ियां और इनकी भी जो है जब्त किया गया है। किन धाराओं के अंतर्गत इन पर मुकदमा दर्ज होगा? ये एक कर्फ्यू, रात्रिकालीन कर्फ्यू का जो आदेश है उसका उल्लंघन और वेपन आर्म्स एक्ट के तहत में मामला कायम किया गया है, और भी जांच की जा रही है। सभी हाई प्रोफाइल लोग हैं ये? इस संबंध में भी जांच की जा रही है। सर युवतियाँ भी थी इसमें? जी, इसमें 10 युवक और 6 युवतियाँ थी।